सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमने और मानसून में बरसात कम होने से हथनीकुंड बैराज में पानी का जल स्तर कम हो गया है, जिससे जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड बैराज पर पिछले चार दिन में 1200 से लेकर 2500 क्यूसिक पानी है। इस संबंधी सिंचाई विभाग के अभियंता RS मित्तल ने बताया कि 4 साल पहले 2017 में भी हथनीकुंड बैराज पर ऐसी स्थिति बनी थी जब पानी इतना कम हो गया था। वहीं पानी की कमी को देखते हुए यूपी की तरफ पानी नहीं भेजा जा रहा। पानी का स्तर तो हम उस पर 18.5 को पौंड को मेंटेन रखते हैं, पर पानी का डिस्चार्ज जो है इस टाइम जो फ्लक्चुएट हो रहा है 1200-1500 से लेके अब वक्स में 2500 के बीच में फ्लक्चुएट है पिछले 4-5 दिन से ही, जिसमें फिर शेयर के हिसाब से हम यदि यूपी का कोई शेयर बनता है उनको दे देते हैं, बाकी हमारे WGC के थ्रू नीचे चला जाता है। सर जो पानी बिल्कुल जी, ये पानी 2-3-4 साल बाद ऐसा है, 2017 में कुछ ऐसे कम हुआ था, अदरवाइज 2500-3000 के ऊपर ही पानी हमारा चलता था, पर ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता जी। इसका रीज़न ये भी है कि ऊपर सर्दियाँ ज़्यादा है, बारिश बर्फ़ कम पिघल रही है, बारिश कम हो रही है, दोनों रीज़न है ऐसे है जी। एक फार्मूला बना हुआ है हर क्वार्टरली हमारा, तो उसी के हिसाब से यदि हमारा पानी हमारे पास अबव वक्स 1500 से कम है तो उसमें यूपी का शेयर बनता ही नहीं है, तो जैसे जितना शेयर उनका बनता है हर 2 घंटे बाद वहाँ ऊपर एसेस करते हैं, यदि उनका शेयर जो बनता है उनको देते हैं। तो अभी तक सुबह का यदि हम माने तो ऊपर यमुना के ऊपर में 1500 क्यूसिक पानी था, 1502, जिसमें उसके हिसाब से यूपी का कोई शेयर नहीं बनता, उसमें 352 क्यूसिक पानी तो हमें नीचे इकोलॉजी इम्पैक्ट के लिए रिवर यमुना में ही छोड़ना पड़ जाता है, तो अवेलेबल पानी तो सिर्फ 1150 रह गया था। नहीं, उसमें दो चीज़ें जी, जो हरियाणा पानी लेता है टोटल उसमें यमुना और भाखड़ा दोनों सिस्टम का पानी हम लेते हैं, और जो हमारे पहले 4 ग्रुप में सिस्टम चलता था, हेड ऑफिस ने पानी की स्केसिटी को देखते हुए, अवेलेबिलिटी कम को देखते हुए उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ, इसीलिए ताकि जो नहर चले वो पूरी चल जाए। सर बैराज पे वैसे कितने इस टाइम जी पानी, हम तो ये मान के चलते हैं 3000 क्यूसिक पानी तो एटलीस्ट हमें मिल जाए, जो हमारी हरियाणा की डिमांड है। तो कहा तो इवन यदि हमारे पास 3500-4000 पानी हो तो उस सफिशियंट है भाई, उसके पूरा सिस्टम अच्छे से चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा को भी और उसको दिल्ली को भी बेनिफिट होगा। सर तो सर अभी कह सकते हैं कि जल, अगर पानी और कम होता तो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? 100% तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकूंगा जी, क्योंकि आगे अब ग्रुपों का सिस्टम डिटेल मेरे पास नहीं है, 5-6 ग्रुपों की, हमारे यहाँ तो चैनल्स ज़्यादा पानी की डिमांड भी नहीं रहती, उसको तो डिपार्टमेंट को मैनेज करने में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी यदि पानी की यही पोजीशन या इससे भी कम जाता है।